फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट झटपट बनने वाली मिठाई की रेसिपी, जिसे आप बिना गैस जलाए 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस मिठाई को बनाने में ना तो आपको दूध घी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मावा चाशनी की और ना ही पनीर की। बस कुछ ही मिनटों में घर के सामानों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत ही लाजवाब है। ये मिठाई आपको बिल्कुल मावे का टेस्ट मिलेगा, तो आने वाले त्यौहार में आप इसे जरूर बनाएं और खाएं, एंजॉय करें। फ्रेंड्स, मैं हूं किरण, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो फिर देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर, ये कितने अच्छे सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल दानेदार बने हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं ये मिठाई। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपको ये मिठाई कैसे बनाई है वो आपको समझ में आएगी। तो बस इसके लिए हमें लेना है आधा कटोरी चीनी। तो अगर आप कप से ले रहे हैं तो आधा कप ले लें चीनी और उसमें 2 हरी इलायची डाल दें, ऐसे अच्छा टेस्ट आता है मिठाई में। इसे डालकर हम पीस लेंगे और एक बॉल लेंगे और छन्नी लगाकर उसमें हम छान लेंगे। अगर आपके पास ऐसी छन्नी ना हो तो आप चालनी से भी, जिसमें हम आटा छानते हैं उससे भी आप इसे छान सकते हैं। बस इसे हम चीनी को छान लेंगे, जो इसके छोटे कण रह गए हैं, इलायची के जो छिलके रहते हैं वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद हम लेंगे यहाँ दूध की मलाई। तो हमने जितना चीनी लिया है उतना ही हमें दूध की मलाई भी लेना है। जब हम दूध गर्म करते हैं और उसकी जो मलाई बैठ जाती है ऊपर में, बस वही हमें लेना है। 2 से 3 दिन के ही दूध की मलाई लें, उससे ज़्यादा दिन का मलाई नहीं लें क्योंकि उसमें खट्टापन आ जाता है। तो बस हमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जब इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाए तो हम उसमें आधा कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे, उससे अच्छा टेस्ट आता है। और इधर हम फिर जार में डालेंगे 2 कटोरी मुरमुरे। जी हाँ, हम मिठाई को मुरमुरे से बनाने वाले हैं। तो इधर हमने पीस लिया है तो इसे हम छान कर लेंगे, ताकि जो मोटे रह गए होंगे पीस नहीं पाए होंगे वो अलग हो जाए। तो इस मिठाई में हमें छान कर ही लेना है, इसे हम बढ़िया से छान लेंगे। उसके बाद हम फिर और 1 कटोरी लेंगे। तो मैंने यहाँ इसे मेजरमेंट से मैंने 3 कटोरी लिया है ये मुरमुरे, क्योंकि जब इसे हम पीसते हैं तो इसकी क्वांटिटी है वो घट जाती है। तो बस इसे हमें छान कर बढ़िया से ले लेना है। तो ये हमने छान लिया है, तब देख सकते हैं ये थोड़े से बच गए हैं। अब हम इधर डाल देंगे 4 चम्मच के इतना मिल्क पाउडर। इसे हम सभी चीज़ों को बढ़िया से मिलाएंगे। तो यह मिल्क पाउडर है वो बिल्कुल मावे का टेस्ट लाता है, तो ज़रूर इसमें डालें। और उसके बाद हम इसे बढ़िया से इसे मिलाएंगे, अच्छे से मसलेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमें हल्के हाथों से मिलाते रहना है। तो मैंने यहाँ जितना क्वांटिटी लिया है उससे अच्छा ही बना है, इससे ज़्यादा मैंने यहाँ कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो आप इसका टेक्स्चर दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ ड्राई लगे तो आप इसमें दूध की मलाई या फिर दूध का भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं 2 चम्मच। तो बस इसे हम मिला लेंगे। और इधर हम लेंगे 1 कंटेनर या ट्रे प्लेट, जो भी आप जिसमें बनाना चाहें उसमें आप पहले तेल से अच्छे से लगाकर ग्रीस कर लें। कप से, हाथों से भी ग्रीस कर सकते हैं या फिर आपके पास ब्रश हो तो ब्रश से भी आप इसे अच्छे से ग्रीस कर लें। उसके बाद हम लगा देंगे इसमें 1 पेपर। उसके बाद हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा घी से लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि डिमोल्ड जब करें तो ये आसानी से निकल पाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से केसर के धागे। और ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है यहाँ बादाम को काटकर, आप चाहे तो पिस्ता ले सकते हैं, चांदी के वर्क लगा सकते हैं, या आप अपने अनुसार से आप जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उसे लगा सकते हैं। उसके बाद हम सारे मिक्सचर को डाल देंगे, ऐसे अच्छे से हाथों से दबाकर फैला लेंगे। उसके बाद चम्मच से इसे अच्छे से सेट कर लें। तो ये मैंने सेट कर लिया है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, या फिर आप बाहर रखना चाहें तो इसे आप 1/2 घंटे के लिए बाहर में भी रख सकते हैं, इससे सेट हो जाएगा आपका मिठाई। तो ये देख सकते हैं ये मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, ये अच्छे से सेट हो गया है। किनारे साइड से ये छोड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से छोड़ रहा है। तो बस इसे हम 1 प्लेट में निकाल लेंगे, प्लेट लेंगे और हम पलट देंगे और इसे टैप करेंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे, तो उसमें हमने पेपर लगा है, इसके वजह से ये बहुत ही आसानी से निकल आता है। तो ये देखिए ये कितने आसानी से निकल आया है। तो इसे हम, इसके जो पेपर हमने लगाया था उसको हम हटा देंगे। तो ये देखिए पेपर हटा लेंगे, उसके बाद हम इसे कट लगा लेंगे।
आपको जैसा शेप पसंद हो आप उसके अनुसार से कट लगा लें। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से कट जा रहा है। मुरमुरे की मिठाई है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बिल्कुल आपको मावे का टेस्ट मिलेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आपको मीठा खाने का मन हो या फिर अचानक मेहमान आने वाले हो तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये आपने मुरमुरे से बनाकर तैयार किया है, ये इतने स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये झटपट बनने वाली मुरमुरे की मिठाई बनकर तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा। एक बार अगर आपने बनाकर खा लिया तो इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे, इतने स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।